1827 की बात है, ब्रिटिश फौज में एक सैनिक होता था, नाम था जेम्स लुइस उर्फ चार्ल्स मेसन। मेसन को पुराने सिक्के इकट्ठा करने का शौक था, इसलिए उसने फौज की नौकरी छोड़ दी और पंजाब के इलाके में विचरने लगा। पंजाब के इलाके में कई जगह खुदाई में उसे पुरातन सिक्के मिले। इसी सिलसिले में 1829 के आसपास वो मॉन्टगोमरी पहुंचा। आज के हिसाब से ये पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब का साहिवाल जिला है। मॉन्टगोमरी से करीब 25 किलोमीटर दूर हड़प्पा में मेसन को एक पुरातन शहर के अवशेष दिखाई दिए। ये शहर किसने बनाया या ये कितना पुराना था, इसका इल्म स्थानीय लोगों को भी नहीं था। मेसन ने शहर का ब्यौरा अपनी डायरी में दर्ज किया और इंग्लैंड लौट गया। वहां पहुंचकर उसने किताब लिखी और इस किताब में उसने बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और पंजाब के इलाके में अपनी यात्रा का ब्यौरा लिखा, जिसमें हड़प्पा में मिले उस पुरातन शहर का जिक्र भी था। लगभग इसी दौर में मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के नए नए राज निकल रहे थे। फ्रांस ने मिस्र पर कब्जा कर लिया था और वो वहां खुदाई कर मिस्र की सभ्यता का पता लगा रहा था। ये खबर पूरे यूरोप में फैल रही थी और इसी के चलते ब्रिटिश ऑफिसर्स पर आर्कियोलॉजी का चस्का चढ़ने लगा था। 1861 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन अपने हाथ में लिया और इसी साल स्थापना हुई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की। इसका पहला डायरेक्टर बनाया गया अलेक्जेंडर कनिंगम को। कनिंगम ब्रिटिश फौज में एक अफसर थे और उन्हें शुरुआत से ही आर्कियोलॉजी का शौक खूब था। मेसन की किताब पढ़कर कनिंगम ने हड़प्पा का दौरा किया। कनिंगम भारत में बौद्ध स्तूपों की खोज में लगे हुए थे, इसलिए शुरुआत में उन्हें लगा कि कोई खोया हुआ बौद्ध शहर होगा। यहां उन्हें कुछ सील्स भी मिली, सील ठप्पे वाली। उन्होंने थ्योरी दी कि ये सील भारत के बाहर से लाई गई थी और हड़प्पा में मिले अवशेष 1000 साल पुराने हो सकते हैं, ये तब का कयास था। 1904 में ASI के डायरेक्टर बने जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा की खुदाई का काम दे दिया। लगभग इसी समय पर सिंध प्रांत में एक और साइट के पास कुछ अवशेष मिले, ये था मोहनजोदड़ो। जॉन मार्शल ने DR भंडारकर और RD बैनर्जी को इस साइट के इंस्पेक्शन का काम सौंपा। 1923 में बैनर्जी ने मार्शल को बताया कि यह अति पुरातन काल का शहर हो सकता है। बैनर्जी ने यह भी नोट किया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कई समानताएं थी। दयाराम साहनी और बैनर्जी के नोट्स मिलाए गए। अंत में 1924 में जॉन मार्शल ने लंदन की एक मैगजीन के माध्यम से घोषणा भी कर दी कि उन्होंने एक पुरातन सभ्यता की खोज कर दी है, जिसे नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। चूंकि पहली खोज हड़प्पा में हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पन सभ्यता भी कह दिया गया। मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम 1925 में शुरू हुआ, जो 1931 तक चलता रहा। 1947 में बंटवारे के बाद यह हिस्सा चला गया पाकिस्तान। आगे चलकर हरियाणा और पंजाब के इलाके में बहने वाली घग्गर हाकरा नदी के किनारे और कई साइट्स मिलती गई। ऐसा भी माना जाता है कि घग्गर हाकरा असल में सरस्वती नदी थी, जिसका वर्णन पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। बहरहाल साल 2002 तक हड़प्पन सभ्यता की 1000 से ज्यादा साइट्स खोजी जा चुकी थी। 2008 की एक रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 616 साइट्स भारत में हैं, जबकि 406 पाकिस्तान के हिस्से में। सिंधु घाटी सभ्यता के 5 शहर प्रमुख हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, गनेरीवाला और राखीगढ़ी। चलिए समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों से हमें तब के मनुष्यों के बारे में क्या पता चला। इसके अलावा 3 सवालों के जरिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, आज से करीब 5000 साल पहले लोग कैसे रहते थे, और तीसरा सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, क्यों ये शहर खंडरों में तब्दील हो गए, मिट्टी में दब गए। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 22 जुलाई का दिन है और आज की तारीख का संबंध है ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। ASI की स्थापना 1861 में हुई थी। अलेक्जेंडर कनिंगम इसके पहले डायरेक्टर बने, जैसा हमने बताया भी। और ASI के आखिरी ब्रिटिश डायरेक्टर का नाम था मॉर्टिमर व्हीलर। व्हीलर 1948 तक ASI के डायरेक्टर रहे और आज ही के दिन साल 1976 में उनका निधन भी हो गया था। Brought to you by Cuckoo FM. Download the app now. आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना दे देते हैं। मानव सभ्यता के विकास के बारे में बेहतर तरीके से अगर आप जानना चाहते हैं तो एक किताब पढ़ सकते हैं, सेपियंस। युवाल नोआ हरारी इसके लेखक हैं। कोको FM लेकर आए हैं इस किताब की एक ऑडियो बुक, बोलती किताब। बजा दीजिए, बोलती रहेगी किताब। इसमें आपको हर एक चैप्टर की समरी भी मिल जाएगी। साथ ही कोको FM का अगर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चाहते हैं और पहले 500 लोगों में से होते हैं तो 50% की छूट मिल सकती है। इसके लिए आपको डालना होगा एक कोड LT50।
चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए जिन साइट्स की खुदाई हुई उनमें से एक का नाम है मेहरगढ़। ये साइट बलूचिस्तान में है और इसका समय 7000 से 5500 ईसा पूर्व माना जाता है। उल्टा चलता है ईसा पूर्व, याद रखिएगा। इसी काल की एक साइट भारत में भी है, भिरडाना, जो फतेहाबाद जिले में पड़ती है। इन दोनों साइट्स का समय नियोलिथिक पीरियड यानी नवपाषाण काल माना जाता है। आसान शब्दों में वो समय जब इंसान ने खेती करना शुरू किया था। इसे पूर्व हड़प्पा काल भी कहा जाता है क्योंकि इस काल में सभ्यता की शुरुआत नहीं हुई थी, बस छोटी छोटी बस्तियों का निर्माण हुआ था। बस्ती से सभ्यता में समय लगता है। हड़प्पा या सिंधु घाटी में सभ्यता पनपी ईसा से 3300 साल पहले, जब पहाड़ी इलाकों से लोग मैदानों की तरफ आए। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले सबसे पहली सील्स भी इसी समय की हैं। सिंधु और घग्गर खाकरा सहित बाकी नदियों के किनारे का इलाका बहुत उपजाऊ था, इसलिए नदियों के किनारे लोगों ने खेती करना शुरू किया। इस समय तक लोगों ने मटर, तिल और कपास की खेती शुरू कर दी थी। इसके बाद 2600 ईसा पूर्व आते आते नगरों की शुरुआत हुई। इसी काल में लोगों ने बड़ी बड़ी दीवारें और चार दीवारी बनाकर अनाज के भंडारण की प्रक्रिया भी शुरू की। समय के साथ इंटेलिजेंस और स्किल बढ़ती जा रही है। मिट्टी के बर्तन बनाना भी तब तक शुरू हो गया था। 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के समय को सिंधु घाटी सभ्यता का स्वर्णिम काल माना जाता है। इस काल के जो अवशेष मोहनजोदड़ो सहित बाकी साइट्स पर मिले हैं, चलिए जानते हैं कि उनसे उस जीवन के बारे में क्या पता चलता है। पुरातत्वविदों के अनुसार मानव सभ्यता 6 अलग अलग स्थानों पर स्वतंत्र रूप से उभरी। इनमें से 4 प्रमुख है, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खास बात यह है कि सबसे बड़ी और सबसे बड़े इलाके में फैली सभ्यता यही थी। अपने शीर्ष पर सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव लगभग 10 लाख किलोमीटर के इलाके में था, जिसमें लगभग 50 लाख लोग रहते थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अलग अलग हड़प्पन इलाके एक मुख्य नगर के इर्द गिर्द बनाए गए थे। नगर का निर्माण भी एक विशेष प्लानिंग के तहत होता था। हर शहर के 2 हिस्से थे, एक ऊपरी गढ़, एक निचला गढ़। ऊपरी गढ़ में सभी मुख्य इमारतें होती थी, कैपिटल जो अभी भी बोलते हैं हम, मसलन गोदाम जिनमें अनाज का भंडारण किया जाता था। इस ऊपरी गढ़ को जमीन से कुछ ऊंचाई पर बनाया जाता, जिसमें चारों तरफ से 4 दीवारें भी होती। इसके बाद निचला गढ़ भी 4 दीवारी से घिरा होता। ये मुख्य शहर था जहां लोग रहते और इसे ब्लॉक्स के आकार में बनाया जाता। ब्लॉक्स के बीच से सड़कें निकलती थी जिनकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर के आसपास होती थी, लगभग 2 बैलगाड़ियों के निकलने के जगह के बराबर, 2 लेन रोड उस समय के हिसाब से। इसके अलावा घरों के बीच से भी छोटी छोटी गलियां निकलती थी। शहरों के निर्माण के लिए ईंट का इस्तेमाल होता था। शहर की नींव में भट्टी में पकाई ईंटें भी मिलती थी और दीवार पर कच्ची। इन ईंटों की गुणवत्ता किस कदर होती थी उसके लिए एक किस्सा सुनिए। जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हो गई तो धीरे धीरे यहाँ से ईंटें गायब होने लग गई। पता चला कि कॉन्ट्रैक्टर ब्रिज वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ तक कि स्थानीय लोगों ने भी इन ईंटों को अपने घरों में लगाने के लिए चोरी किया। नगर की चार दीवारी बनाने में विशेष ध्यान दिया जाता था। विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं कि मोहनजोदड़ो और धोलावीरा में बनी चार दीवारी की सिर्फ नींव बनाने में 10,000 मजदूरों को 400 दिन तक काम करना पड़ा होगा। ये चार दीवारियां दुश्मन से बचने के लिए नहीं बनाई जाती थी, बल्कि इन्हें बनाया जाता था ताकि बाढ़ का पानी अंदर ना आने पाए। बाढ़ से बचने के लिए अनाजों के भंडारों को ऊपर वाले गढ़ में बनाया जाता ताकि पानी बढ़ने पर भी अनाज सूखा रहे। एक खास बात यह भी है कि इन शहरों में राजमहल या किसी विशेष इमारत के निशान नहीं मिलते हैं। इससे पता चलता है कि सभी लोग लगभग समान परिस्थितियों में रहते थे। कांस्य युग की बाकी किसी सभ्यता में ऐसा नहीं दिखता है आपको, जो दुनिया में और मिलती है इसी टाइम की। मिस्र में फैरो होते थे जिनके लिए विशेष इमारतों का निर्माण होता था। पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर बताते हैं कि विशेष लोगों के मरने पर भी विशेष ट्रीटमेंट उन्हें मिलता था। लगभग एक उनकी जो छवि थी इंसान नहीं मानते थे, भगवान ही मानते थे। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में बाकी सभ्यताओं के मुकाबले कुछ और अंतर हैं। मसलन बाकी सभ्यताओं में एक केंद्र या राजा के हाथ में शक्ति होती थी। कानून, अर्थव्यवस्था और व्यापार सब राजा के कंट्रोल में होता था। हर सभ्यता में एक क्लास हायरार्की होती थी। अभिजात्य वर्ग और सामान्य वर्ग की शक्तियों और रहन सहन में खास अंतर होता था। इसी प्रकार हर राज्य का एक धर्म भी निश्चित था और धर्म की भी अपनी हायरार्की होती थी। पुरोहितों के लिए भवन बने होते थे, विशालकाय मंदिरों या धार्मिक संरचनाओं का निर्माण होता था। अधिकतर सभ्यताओं में सेना भी होती थी और गुलामी जैसी प्रथाओं के निशान भी मिलते हैं। जबकि
सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, स्पेशली हरार की रिलीजन या पावर की नहीं मिलती है। किसी राजधर्म के संकेत नहीं मिलते हैं, न ही किसी धार्मिक संरचना के ही सबूत मिलते हैं। खुदाई में मिले अवशेषों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा मूल्य पानी और सफाई को दिया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान उसके सीवर सिस्टम और नालियों के नेटवर्क से भी होती है। हर घर में अपना एक बाथरूम होता था जिसमें टाइल्स लगती थी। दीवार और जमीन को ईंटों पर टार लगाकर वाटरप्रूफ बनाया जाता था। बाथरूम से एक नाली निकलती थी जिससे पानी बाहर जाता। ये पानी शहर के नीचे बनी नालियों के नेटवर्क से निकलता और ये नालियां उस पानी को शहर से बाहर ले जाती। प्लम्बिंग और सीवर सिस्टम की ऐसी मिसाल किसी दूसरी सभ्यता में नहीं मिलती है इस पीरियड से। सीवर सिस्टम इतना उन्नत था कि बहुमंजिला इमारत भी इससे कनेक्ट रहती थी। हर मंजिल से एक नाली दीवार के सहारे नीचे आती और अंडरग्राउंड सीवर से मिल जाती। सिंधु घाटी सभ्यता में पानी का मूल्य कितना था इसका पता एक खास संरचना से चलता है। मोहनजोदड़ो का एक बड़ा जलकुंड है जिसे द ग्रेट बात कहा जाता है। अंग्रेजों ने देखा, उनको लगा नहाने की हौदी है, द ग्रेट बात नाम दे दिया। इसकी खासियत यह है कि यह सिर्फ मोहनजोदड़ो के अवशेषों में मिला है और किसी साइट पर ग्रेट बात के निशान नहीं मिलते। इस ग्रेट बात की गहराई 2.4 मीटर है जिसमें पक्की ईंटों से दीवार को वाटरप्रूफ बनाया गया है। जलकुंड के पीछे की तरफ एक कुआं है जिससे पानी भरा जाता और इसके सामने की तरफ निकासी का रास्ता है जिससे पानी बाहर निकलता। इस बात को क्यों और किसके लिए बनाया गया था इसको लेकर ठीक ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अनुमान ये लगाया जाता है कि संभवतः इसका इस्तेमाल किसी सार्वजनिक प्रथा के लिए होता होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी शहरों में पानी के स्टोरेज की विशेष व्यवस्था की जाती थी। धोलावीरा साइट में शहर की चार दीवारी के आसपास 16 जलकुंड बने मिले हैं जिनमें बाढ़ का पानी स्टोर किया जाता था। इसके अलावा हर शहर में कुओं का निर्माण किया जाता था जिनकी दीवार पर ईंटें लगाई होती थी। अब जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग काम क्या करते थे। मुख्यतः ये कृषि आधारित सभ्यता थी। इस दौरान अनाज के अलावा अदरक, हल्दी, जीरा, लहसुन ये सब भी पैदा किया जाता था। इसके अलावा बर्तन बनाने का काम भी मुख्य रूप से होता था, ऐसे निशान मिले हैं। इस दौरान लोग ऊंट, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली ये सब पालते थे और इस पशुधन का ट्रेड भी था। ट्रेड के लिए नदियों के अलावा समुद्री रास्तों का भी उपयोग होता था। सिंधु घाटी में कई सील्स मेसोपोटामिया की खुदाई में भी मिली हैं जिससे पता चलता है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापार होता था। मेसोपोटामिया में तब सिंधु घाटी इलाके को मेलुहा नाम से जानते थे। सिंधु घाटी की खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट को हजारों सील्स मिली है। इन सील्स पर एक जानवर का चित्र और ऊपर कुछ निशान लिखे मिले हैं जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक विशेष लिपि का उपयोग होता था। जैसे कि हमने पहले बताया, सील ये ठप्पे वाली है। कई सील्स ऐसी भी हैं जिनका इस्तेमाल ठप्पे के लिए नहीं, जानकारी को दर्ज करने के लिए किया जाता था। लौटते हैं किस्से पर, लेकिन इन सील्स पर लिखी लिपि का मतलब क्या है इसका पता अब तक नहीं चल पाया। सिंधु घाटी सभ्यता में उपयोग होने वाली भाषा को डिकोड क्यों नहीं किया जा सका यह अपने आप में एक लंबी कहानी है। इसके लिए तारीख का एक और एपिसोड लगेगा। 700 साल फलने फूलने के बाद साल 1900 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया और 1300 साल ईसा पूर्व के आसपास सारे निशान खो गए। जैसा कि हमने पहले बताया था, ईसा पूर्व चलता है उल्टा। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों खत्म हुई इसको लेकर अलग अलग थेरीज हैं। एक थेरी यह है कि लोगों पर बाहर से आक्रमण हुआ। हालांकि इस थेरी को लेकर कोई पुख्ता सबूत मिलते नहीं है। एक दूसरी थेरी कहती है कि क्लाइमेट चेंज के चलते नदियों का पानी कम हो गया, मानसून में कमी के चलते घग्गर हाकरा नदी सूखने लगी जिसके चलते उपज में कमी आई, धीरे धीरे ट्रेड कम हुआ तो लोगों में आंतरिक कलह बढ़ने लगी, इसके बाद बीमारियों ने डेरा डाला तो लोग इस इलाकों को छोड़कर गए। एक और थ्योरी है जो भूकंप को वजह बताती है। 2200 ईसा पूर्व धोलावीरा में भूकंप के सबूत मिलते हैं। संभव है कि बढ़ते भूकंपों के चलते लोगों ने इस इलाके को छोड़ा हो। इसके अलावा एक थ्योरी ये भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता एकदम से खत्म नहीं हुई बल्कि लोग धीरे धीरे पूरब की ओर गए। यहाँ गंगा के मैदान खेती के लिए उपयुक्त थे, इसीलिए कुछ सदियों तक लोगों के पलायन का सिलसिला चला और जब अधिकतर लोग भारत के दूसरे स्थानों में बस गए तो सिंधु घाटी के आसपास का इलाका कुछ खाली हो गया और 1300 ईसा पूर्व के साल में सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से खत्म मान ली गई। सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी का विस्तार बहुत बड़ा है। आज के एपिसोड में हमने आपको एक इंट्रोडक्शन और समरी देने की ही बस कोशिश की है। आगे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े अलग अलग साइट्स के बारे में डिटेल में चर्चा करने की कोशिश करेंगे और साथ ही आर्यन माइग्रेशन थ्योरी और सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा की भी अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।
तारीख के इस शानदार एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।